यह आपकी तरफ ऐसी ताकतों को खींच सकता है जिन्हें आप शायद संभाल नहीं पाएंगे। इससे जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आप जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अपने साथ नहीं सभी लोगों के शरीर के साथ। मेटल में एक तरह की ग्रहणशीलता होती है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उससे मैं आमतौर पर बचता हूं, क्योंकि मैं आमतौर पर उन चीजों की बातें नहीं करना चाहता जो अभी आपके अनुभव में नहीं है। क्योंकि अगर मैं उन चीजों की बातें करूंगा जो आपके अनुभव में नहीं है, तो उसका आप क्या करेंगे? आप या तो मुझ पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे। विश्वास करके आप सच्चाई के करीब नहीं जा सकते, नहीं अविश्वास करके आप सच्चाई के करीब जा सकते हैं, है ना? आप जहां हैं वहीं रहते हैं, पर आपको एक कहानी मिल जाती है। यही वो गलती है जो हमेशा से होती आई है। लोग लगातार उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है। पर अब सवाल ये है कि क्या ये सच है? मैंने अपने अंगूठे पर अंगूठी पहनी हुई है, वे इसे उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये मानव शरीर एक मशीन है। शायद आप शरीर से बहुत अधिक जुड़ाव और पहचान जोड़ रहे हों, इसीलिए आप ये न देख पा रहे हों, पर ये वाकई एक मशीन है ना? अगर आप में से कोई किसी सर्जरी से गुजरा है, सर्जरी के दौरान वे आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा वे गैराज में कार के साथ करते हैं। वे आपको नीचे रखते हैं और डाडाडा, वे आपको साफ करते हैं, खोलते हैं, चीरते हैं और वापस जोड़ देते हैं। वे आपको एक मशीन ही मानते हैं, है ना? कई लोगों के लिए सर्जरी अपमानजनक अनुभव है, क्योंकि अचानक आपकी सभी छोटी छोटी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। वे आपको खोलते हैं और बंद कर देते हैं जैसा वे सोचते हैं इसे करना चाहिए, है ना? क्योंकि बस ये एक मशीन है और इसमें कई संभावनाएं मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा, योग विज्ञान में शरीर को परमात्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी माना जाता है। अगर आप इसे ठीक रख पाए तो ये एक जबरदस्त मशीन है। अभी आप इसके बहुत ही छोटे हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही छोटा हिस्सा। ये एक हवाई जहाज है जिसे आपने कार बना लिया है, आप समझे? हवाई जहाज को कार बना लिया जाए तो दो पंख इमारतों, लैंप पोस्ट और हर चीज से टकराएंगे। ये आपको पसंद नहीं आता तो आप पंख काट कर उसे ड्राइव करते हैं। कटे हुए पंखों वाला हवाई जहाज वाकई एक अद्भुत बस है। हाँ, आप बहुत खुश हैं, आप सोचते हैं मैं एक अच्छी बस चला रहा हूं। पर एक पायलट जो प्लेन उड़ाता है वो कटे पंखों वाला विमान देखकर रोने लगेगा। हाँ? आज का योग और लोगों का रहन सहन देखकर मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह से हो सकता है जो आपकी कल्पना से परे है। देखिए, अगर मैं गहराई में बताऊंगा, It'll be too fairy tale-ish. Too fairy tale-ish for any sensible person to believe. I wouldn't believe a damn thing like that if anybody told me. तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई मुझे बताता तो मैं इस पर विश्वास न करता, पर ये मेरे लिए रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं। कई चीजें अभी और इसी जगह आपके जीवन के कई आयाम हैं, पर वे आपके अनुभव में नहीं हैं। मैं भौतिक या बाहरी सच्चाइयों की बात कर रहा हूं, न कि दूसरी चीजों की। As we are all sitting here and doing a program right now, there are many levels of physical realities right here. यहाँ अभी इसी कार्यक्रम में भौतिक या बाहरी सच्चाइयों के कई स्तर हैं। यहीं कई तरह की चीजें हो रही हैं। इस दुनिया की कई सारी परतें हैं, एक के अंदर एक। इस ब्रह्मांड के कई स्तर या कई परतें हैं। आज आधुनिक विज्ञान ये पहचान रहा है, आप जानते हैं। वे कह रहे हैं कि कई सच्चाइयां हैं जो एक के अंदर एक मौजूद हैं। ये सच है।
तंत्र विद्या बस एक तकनीक है। कुछ साल पहले जो हमें असंभव लगता था वो आज सच हो गया है ना? ठीक उसी तरह तंत्र विद्या एक अलग आयाम की तकनीक है, पर भौतिक ही है। ये बाहरी तल पर ही है, पर भौतिकता का एक अलग स्तर है, वो बाहरी स्तर नहीं जिसे आप जानते हैं। तो अंगूठे पर अंगूठी पहनने से क्या होगा? यह आपकी तरफ ऐसी ताकतें खींच सकता है जिन्हें आप शायद संभाल नहीं पाएंगे, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अगर आप कुछ स्थानों पर जाते हैं या कुछ प्रकार की ताकतें आकर्षित करते हैं तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अंगूठे पर मेटल पहनते हैं वे मान लेते हैं कि आप उन्हें चाहते हैं। यानी जैसे अगर आप अपने दिमाग से एक एंटीना जोड़ लें तो आपको कैलिफोर्निया का हर रेडियो स्टेशन झेलना पड़ेगा। आप वो चीजें नहीं सुनना चाहते तो आपको एंटीना हटाना होगा, है ना? यह भी ऐसा ही है। मेटल में एक ग्रहणशीलता होती है और एक असर होता है, तो उसका उपयोग कुछ तरीकों से होता है। तो ये हमेशा से तय रहा है कि अंगूठी अनामिका उंगली पर पहननी चाहिए, पर दुनिया में इसे रिंग फिंगर माना गया है। आप इसे संजोग मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अनामिका उंगली में यहां से यहां तक सारा भौतिक ब्रह्मांड यही है। ये कंप्यूटर के माउस की तरह है। अगर आप बस ऐसे करें तो आप खुद को एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जा सकते हैं। आप इस शरीर में सब कुछ कर सकते हैं अपनी अनामिका उंगली से, और न सिर्फ अपने शरीर के साथ, सभी के शरीर के साथ आप अपनी अनामिका से जो चाहे कर सकते हैं। योग में अनामिका उंगली का एक पूरा विज्ञान है। अनामिका को आपकी हर चीज की चाबी माना जाता है। अनामिका पर कोई धातु पहनना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह सिस्टम में स्थिरता लाने का एक सरल तरीका है। अनामिका पर कोई धातु पहनने से सिस्टम बहुत स्थिर रहता है। अगर आप इसे कहीं और पहन ले, आजकल लोग हर जगह पर धातु पहन रहे हैं, उससे वैसी चीजें होंगी, उसका अपना असर होगा, इससे कुछ तय नहीं हो जाएगा। वे चीजें पहनकर भी लोग काफी ठीक रह सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे अपनी कार को बिल्कुल सपाट बनाकर चलाना। कार तो चल जाएगी। Just consumes two times more gas. पर सामान्य से दो गुना ज्यादा पेट्रोल की खपत होगी, है ना? वही बात है। आप ऐसे जा सकते हैं और चीजों से टकरा सकते हैं, पर बात यह है कि आप थक जाएंगे। जीवन की प्रक्रिया से खुशी और सहजता से गुजरने की बजाय आप गलतियां करके खुद को थका देंगे। बस यही है। सभी जीते हैं, पर सभी आसानी से नहीं जीते, है ना? है कि नहीं? बस इसलिए कि अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपके साथ सही चीजें भी नहीं होंगी। अंदर और बाहर कई आयाम हैं। आयाम चाहे कोई भी हो, आप सही चीजें नहीं करेंगे तो आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी। ऐसा ही है।